नमस्ते। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान पिक्सल ओएस का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर पिक्सल ओएस का जो पोर्ट बिल्ड है इंस्टॉल किया है, एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस रॉम का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है, प्लस इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने वाले है। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक शेयर कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ। तो यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। डेफिनेटली एज बिल्ड है उस तो पोर्ट बिल्ड है, इसलिए आपको कुछ कुछ टाइम जो है इश्यू देखने को मिल सकता है, बट फिर भी काफ़ी स्टेबल बिल्ड है। यहाँ पर GSI पोर्ट बिल्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है इसके साथ जो है कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। एंड कुछ कुछ टाइम हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर एनिमेशन में जो है यहाँ पर बग को नोटिस किया है। कुछ कुछ टाइम जो है यहाँ पर लैग देखने को मिलता है जो है एप्लीकेशन को ओपन करके क्लोज करने का टाइम, बट डेफिनेटली पोर्ट बिल्ड है इसलिए इस तरह से देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन उस भी रन किया था। एंड अगर बात करें यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है, रैम मैनेजमेंट के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। रैम मैनेजमेंट बढ़िया है। एंड अगर बात करें पर बेंचमार्किंग एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 496 का जो है स्कोर है देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर 3D मार्क का जो स्कोर है वाइल्ड लाइफ के साथ काफ़ी सही है। Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 330, मल्टी कोर के साथ जो है 1485 के स्कोर है। अगेन यहाँ पर जो मल्टी कोर का जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। एंड सिंगल कोर के साथ जो है एवरेज से ज़्यादा स्कोर देखने को मिल गया है, मल्टी कोर के साथ भी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा स्कोर देखने को मिल गया है। तो डेफिनेटली जो स्टॉक रॉम है Mi 2 डिवाइस के लिए उससे ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड Geekbench 6.2.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 358, मल्टी कोर के साथ जो है 1289 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर अगेन सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ जो है एवरेज से ज़्यादा स्कोर देखने को मिल गया है। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो है सेफ्टी नेट के बारे में, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है अबाउट फोन के बारे में। तो यहाँ पर ए जो रॉम है तो एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड एंड्रॉयड 13 के साथ सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड्रॉयड 13 का जो स्टार्टर है ऐड किया गया है। यहाँ पर 5th May 2023 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.19 कर्नल के साथ। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप जो है एंड्रॉयड 13 को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बढ़िया परफॉर्मेंस चाहते हो, तो इस रॉम को जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है, सबसे पहले हमारे पास जो Mi 2 डिवाइस है, यहाँ पर इस डिवाइस में जो बैटरी हेल्थ है काफ़ी जो है यहाँ पर बढ़िया नहीं है, यहाँ पर काफ़ी ख़राब जो है पर बैटरी हेल्थ देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें जो है इतना अच्छा बैटरी के साथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो डिवाइस यहाँ पर फुल गया है, बैटरी के साथ जो है पर सोलन देखने को मिल रहा है। एंड देख सकते हो कुछ इस तरह से बैटरी जो है यहाँ पर फुल गया है, यहाँ पर इसलिए हमें जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आपके पास नया Mi 2 डिवाइस है और अगर आप नया बैटरी को इंस्टॉल करे हो Mi 2 डिवाइस के ऊपर, आपको तो जो है अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो इस रॉम के साथ जो है 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो इसकी नॉन टाइम देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो। तो डेफिनेटली आपको 5 आवर के आसपास तो इसकी नॉन टाइम देखने को मिल ही जाएगा। तो हमारे पास जो डिवाइस है इसका जो बैटरी हेल्थ है इतना अच्छा नहीं है, बैटरी के साथ जो है सोलन देखने को मिल रहा है, इसलिए जो है शायद बैटरी बैकअप इतना बढ़िया देखने को ना मिले। एनीवे यहाँ पर अगर बात करें फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर पिक्सल ओएस के साथ आपको एकदम जो है एंड्रॉयड 13 के साथ जो स्टॉक लाइक फीचर्स देखने को मिलेगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर जो है गेस्चर्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करके आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। यहाँ पर 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन, गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा।
यहाँ पर 100 मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इसे एनेबल करने के बाद नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके आप जो है 100 मोड को एनेबल कर सकते हो। 100 मोड का जो शॉर्टकट का ऑप्शन है, क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो है टॉर्च लाइट को एनेबल कर पाओगे। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई को रिबूट करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर जो गेस्ट के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे। डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है, डबल टैप करके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वॉल्यूम बटन के साथ जो है गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते इंस्टॉलेशन के बारे में। तो कोई भी रॉम को इंस्टॉल करने से पहले, अपडेट करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। एंड पिक्सल ओएस का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लश करना होगा। तो रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ जो है बूट हो जाएगा। इस रॉम के साथ जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो जल्दी से रिकवरी को यहाँ पर जो बूट करते हैं। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट ऑरेंज फॉक्स रिकवरी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली रिकवरी बूट होने के बाद जो है बैकअप में जाके जो है यहाँ पर गार्डन रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद जो है एडवांस वाइप में जाके डायल्बिक डेटा कैश है, ये जो तीनों ऑप्शन है तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली यहाँ पर जो बैक आके यहाँ पर इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में इस रॉम को डाउनलोड किया है, उस फोल्डर में जाके रॉम को यहाँ पर सिलेक्ट करके स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। विद इन 5 मिनट एज रॉम आपके डिवाइस के ऊपर फ्लैश हो जाएगा। इस रॉम के साथ जो है जी एप्स अवेलेबल है, इसलिए आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर 3 डॉट में टैप करके रिबूट टू सिस्टम में टैप करना होगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है पिक्सल ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर। नाउ रॉम बूट होने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पर जो रॉम को जो है यहाँ पर सेटअप करना होगा। यहाँ पर एक चीज तो माननी पड़ेगी, ये जो रॉम है पोर्ट रॉम है, GSI पोर्ट बिल्ड है, फिर भी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, काफी सही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कुछ कुछ टाइम आपको कुछ इश्यू देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस है, यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस है यहाँ पर काम नहीं करेगा। ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है, आपको यहाँ पर मैनुअली जो है ब्राइटनेस को एडजस्ट करना होगा। एंड कुछ कुछ टाइम जो है यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर क्लोज करने के बाद जो है पर लैग देखने को मिलता है, बट अगर आप डिवाइस को रिबूट कर दोगे तो यहाँ पर जो लैग है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी फास्ट जो है पर एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो है Level 3 का सपोर्ट है, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा, गूगल कैमरा यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर एपर्चर कैमरा एप्लीकेशन को ऐड किया गया है, यहाँ पर फोटो वीडियो का ऑप्शन है, Full HD 30 fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पर शटर साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, मैक्सिमम ब्राइटनेस मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड ओवरऑल पिक्सल ओएस का जो बिल्ड है Mi 2 डिवाइस के लिए काफ़ी सही है। नाउ यहाँ पर जो है डिफरेंटली अगर आपके पास Xiaomi Mi 2 डिवाइस है, इस रॉम को जो आप यूज़ करके देख सकते हो, चेकआउट करके देख सकते हो, एंड इस रॉम को आप जो है एज ए डेली ड्राइवर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंटली ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, पोर्ट बिल्ड है, बट फिर भी इस रॉम को आप जो है एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर पाओगे। परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, बाकी यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट मोबाइल डाटा वॉल्टी काम कर जाएगा। यहाँ पर मोबाइल डाटा के साथ जो है वो वाईफाई भी काम कर रहा है, वॉल्टी के साथ भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल को भी ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन के साथ जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी फास्ट है। सिंपली यहाँ पर जो है टैप किया ओपन हो गया, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पर काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर जो पिक्सल ओएस को
ट्राई करके देखो। एंड MIUI 2 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग कस्टम रॉम का जो रिव्यू वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।